केदार हर हर महादेव दोस्तों, सुबह के 5 बज रहे हैं और हमने सुबह ही बाबा जी के दर्शन कर लिए। अंदर गर्भगृह में दर्शन हुए, बहुत सुंदर दर्शन हुए। भी दर्शन करिए बाबा केदारनाथ के, हर हर महादेव। और ये पीछे वैली का व्यू देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। किसी भाई की मृत्यु हो गई है, अब देख सकते हैं डेड बॉडी उसकी यहाँ पर है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसी पे लोग सब लोग बर्फ का पूरा ऊपर से आया हुआ है। लगभग 4 घंटे बाद हम लोग रामबाड़ा पहुँच चुके हैं और केदारनाथ में हेलीपैड की सुविधा जो है वो शुरू हो चुकी है। जो मैंने टेंट लिया हुआ था, ये टेंट है और ये आप देख सकते हैं, ये भीमशिला है हमारे जस्ट पीछे। बाबा जी के दर्शन करिए काल भैरव के तेतसकुंड में। और श्री केदार हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डीआरएक्स कला पर। दोस्तों अभी हूँ मैं केदारनाथ धाम में और आप लोग अगर केदारनाथ धाम आना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, कैसे आप केदारनाथ धाम आ सकते हैं और कहाँ पर स्टे करेंगे और कैसे आप ये पूरा इस पूरे मंदिर की प्रांगण की पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोलिए जय श्री केदार हर हर महादेव। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जो मेन सोनप्रयाग से एंट्री गेट है उसका, केदारनाथ धाम का। ये आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है, केदार धाम में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। और इधर देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगी हुई है और इधर ये क्या सुंदर नज़ारा देख सकते हैं, दोनों तरफ पानी नदी बह रही है और ये वैली का व्यू आप देखेंगे। और सोनप्रयाग में अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहीं पर चेक हो रहा है, और अगर ऑफलाइन आप कराएंगे तो यहां से ऑफलाइन भी हो रहा है रजिस्ट्रेशन। और इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है, लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। और जो भी लोग आएँ, अगर ऑनलाइन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यहां से लाइन में लगकर वो अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। बाकी अब हम लोग चल रहे हैं टैक्सी के लिए, देखते हैं अगर टैक्सी मिल जाती है तो हम लोग सीधे निकल जाएंगे गौरीकुंड के लिए। ये आप देख सकते हैं सोनप्रयाग की मार्केट, यह है वो पुल जिसको क्रॉस करने के बाद शेयरिंग टैक्सी मिलती है। आप देख सकते हैं सारी शेयरिंग टैक्सी खड़ी हुई हैं दोस्तों। जो गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी जाती हैं यहीं से जाती हैं, यही सारी गौरीकुंड के लिए टैक्सी जाती हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो गौरीकुंड का फेयर है वो 50 रुपये एक व्यक्ति का है, ये आप देख सकते हैं। इधर भी बाकी खड़ी हुई हैं। अभी मैं आप यहाँ पे आपको दर्शन कराता हूँ गौरी माता मंदिर के। ये आप देख सकते हैं श्री गौरी माई मंदिर सामने ही है। हर महादेव दोस्तों, सुबह अभी बज रहे हैं 6:15 और हम लोगों ने अपनी यात्रा जो गौरीकुंड से शुरू कर दी है। हमारे पीछे देख सकते हैं गौरीकुंड बेस कैंप है और यहाँ से अभी चल के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और बाकी का ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप घोड़ा लेना चाहें तो यहाँ से मिल जाएगा। हम लोग गौरीकुंड से आए हुए हैं और चल के यहाँ से देख सकते हैं अभी केदारनाथ धाम 15.5 किलोमीटर है और जगल जट्टी 3.5 किलोमीटर है। बाकी यात्रा अब हम लोग चल रहे हैं आगे। और ये जो मेन गेट है केदारनाथ धाम यात्रा का, वो एंट्री गेट सामने आप देख रहे हैं। यहीं से जो मेन केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है वो इसी गेट से स्टार्ट होती है। बाकी की वीडियो अपडेट में आप बने रहिएगा, मैं आपको पूरे दर्शन कराऊंगा केदारनाथ धाम के। बाबा जी की जो चढ़ाई है केदारनाथ धाम की वो एकदम खड़ी है, तो आराम आराम चलें और इस डंडी का सहारा जरूर ले लें, बहुत सपोर्ट मिलता है इससे और इससे आप आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं। बाकी ये स्टीप आप देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई लग रही है आपको, और इसी में सारे घोड़े खच्चर भी चलते हैं, तो आप आराम से चलें उसके, तो सुबह जल्दी निकलें क्योंकि पहुंचने में आपको और जल्दी हो जाएगी। हम लोग गौरीकुंड से 2 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ से केदारनाथ धाम 14 किलोमीटर है, सामने देख सकते हैं आप। और यहाँ से जो जंगल चट्टी है 2 किलोमीटर है, अभी हम आगे चलेंगे। और बाकी यहाँ से वैली का व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ से एकदम नीचे से आए थे हम लोग चढ़ते चढ़ते, तो आप देख सकते हैं पूरा एकदम स्टीप चढ़ाई है पूरी यहाँ की। दोस्तों हम लोग गौरीकुंड से लगभग 3 किलोमीटर पैदल आ चुके हैं और इधर से हम लोग आए थे, ये गौरीकुंड का रास्ता है। और सबसे आगे ही देख सकते हैं सामने भोलेनाथ का पर्वत दिख रहा है, सामने बर्फ़ भी, बर्फ़ की चादर आपको दिख रही होगी वाइट, सीधे गली में देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। अभी लोग हम लोग पहुँच चुके हैं भैरवनाथ मंदिर चीरवासा, ये आप देख सकते हैं ये भैरवनाथ मंदिर है। हर महादेव दोस्तों,
लगभग 5 किलोमीटर चढ़ने के बाद हम लोग का जो पहला वाटरफॉल देखने को मिला है, आप देख सकते हैं छोटा वाटरफॉल है, ऊपर से पानी आ रहा है और ये देख सकते हैं ये नीचे जाके सीधे नीचे नदी में मिलता है। बाकी ये वैली का नज़ारा आप देख सकते हैं पूरा। अभी हम लोगों ने जस्ट भैरव मंदिर क्रॉस किया हुआ है और यहाँ से चलेंगे, यहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर बाबा जी का धाम पड़ता है। तो केदारनाथ धाम की इस यात्रा में जो पहला पड़ाव है वो जंगल चट्टी हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कई सारी शॉप्स हैं, कुछ खाना नाश्ता वगैरह करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इधर पहले का व्यू देखिए, बादल आ रहे हैं, कितना सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ से। करीब अभी बज रहा है 8, 2 घंटे लग गए क्योंकि हमारा लगेज काफ़ी भारी है और यहाँ तक आने में हमको 2 घंटे लगे हैं जंगल चट्टी पहला पड़ाव तक पहुँचने में। तो आप इसे जब भी आए केदारनाथ धाम में तो कम से कम लगेज लेके आएँ क्योंकि चढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। फिर हम लोग के पास ज़्यादा लगेज था तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया है, अभी हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे और आगे चल के आपको हम दिखाते हैं। बाकी ये जंगल चट्टी आप देख सकते हैं, यहीं पर कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी, अगर नाश्ता वगैरह आप करेंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं, सारी शॉप्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी इस साइड दोनों साइड। केदारनाथ धाम का जो दूसरा पड़ाव है भीम वैली यहाँ से 2 किलोमीटर है और श्री केदारनाथ धाम 12 किलोमीटर है और बाकी रुद्राफॉल यहाँ से सिर्फ 200 मीटर है। अभी हम आगे चलेंगे और वहाँ से दिखाएँगे और यहाँ से सब लोग आ रहे हैं और जो एक बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको हम दिखाने जा रहे हैं यहाँ से और आप दर्शन करेंगे सूर्य भगवान के, आप दर्शन करिए। अभी 8 बजे ये अभी सूर्योदय बहुत पहले हो गया था लेकिन सूरज भगवान छिपे हुए थे, अभी निकल आए हैं। बाकी ये रास्ता जो जाता है भीमतली के तरफ जाता है, भीमवली यहाँ से 2 किलोमीटर है। अभी हम चलते हैं आगे और आगे चल के आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग केदारनाथ धाम की इस ट्रैक पर हैं और लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर आए हैं और एक बहुत ही दुखदायी खबर है कि सामने किसी भाई की मृत्यु हो गई है। अब देख सकते हैं डेड बॉडी उसकी यहाँ पर है, पता नहीं किस वजह से, इसका कारण अभी नहीं पता है। सामने देख सकते हैं डेड बॉडी पड़ी हुई है, सब लोग उसको लेके जा रहे हैं, इधर पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं और ये बहुत घटना है। और बाकी इस वैली अभी हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग लगभग 5.5 किलोमीटर आ चुके हैं इस कैंप में और यहाँ से वैली को देखिए ऊपर हेलीकॉप्टर भी जा रहे हैं। और यहाँ से जो श्री केदारनाथ धाम है वो 10.5 किलोमीटर है, छोटी लिचौली यहाँ से 3.5 किलोमीटर और बेस कैंप जो है केदारनाथ धाम का 9 किलोमीटर है और भीमवली यहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी पर है। और अभी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे बाकी ये रास्ता है और पीछे का व्यू आप इंजॉय करिए, काफ़ी सुंदर वाटरफॉल आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर बाबा जी के धाम की तरफ और ये वाटरफॉल देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कुछ लोग ऊपर भी चढ़े हुए हैं और वाह, बाकी सब लोग इधर से ऊपर जा रहे हैं धाम की तरफ और हम भी चल रहे हैं आगे की ओर। जय श्री केदार, हर हर महादेव। बाबा जी के धाम में सुंदर साफ पानी पहाड़ों का आता है और यहाँ टंकी में पीने का पानी आप यहाँ से पी सकते हैं, ऊपर से दिखाएंगे आप, ये ऊपर से पूरे पहाड़ों का पानी आता है और यहाँ से टंकी में जाता है और सब लोग यहाँ से पीने का पानी जो लेते हैं यहीं से पीने का पानी यूज होता है। सरब ये यहाँ पर टंकी का पानी शुद्ध पानी है, पहाड़ों का पानी ऊपर से आता है और टंकी में से होता है और यहाँ पर लोग जितने भी श्रद्धालु आते हैं पीते हैं, हाथ पैर धुलते हैं, पीने का पानी है। केदारनाथ इस यात्रा में हम लोग लगभग 6 किलोमीटर आए हुए हैं और यहाँ से जो व्यू आ रहा है काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है, ऊपर पर्वत का, ऊपर बर्फबारी हुई है और काफ़ी सुंदर लग रही है, सफ़ेद चादर आपको दिख रही होगी। और हमारे साथ सौरभ हैं और बाकी ये व्यू चेक करिए आप एक बार, मैं जूम करके आपको एक बार दिखा रहा हूँ। बाकी ये जो रास्ता है मार्ग है यही जाके ऊपर जाता है और सामने जो ओवरब्रिज मिलता है, जब 2013 में तबाही आई थी तो यही पूरा ऊपर से भूस्खलन हुआ था और रास्ता चेंज हो गया था, पुराना रास्ता इस साइड से और नया रास्ता इधर से बनाया गया हुआ है। अभी हम पास चल के वो भी दिखाएंगे आपको। तो अभी हम लोगों ने रास्ता करके फिर से अपनी चौड़ाई स्टार्ट की हुई है और हम लोग जस्ट रामबाड़ा पहुँच चुके हैं, सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, इधर खच्चरों का रास्ता अलग जाता है, ये खच्चर रास्ते इस रास्ते से जाएंगे और जो पैदल का मार्ग है यहाँ से अलग हो जाएगा और इस रास्ते से हम लोग चलेंगे और आगे चल के ये दोनों रास्ते फिर वहीं जाके मिल जाएंगे ऊपर। और अभी हम लोग इसी रास्ते से चलते हैं
कई लोग उस रास्ते से भी जा रहे हैं, लेकिन उधर खच्चर चलेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी, तो हम लोग इसी रास्ते से चलते हैं और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए हम लोग आगे चलते रहेंगे। जय श्री शंभु, ओम नमः शिवाय। ये रामबाड़ा पहुँचने के पहले एक वाटरफॉल और मिलता है, यहाँ से रामबाड़ा बस आधा किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोग चल रहे हैं बस ट्रैक कंटिन्यू। लगातार सुबह 6 बजे निकले थे और अभी 10 बज चुके हैं और हम लोग काफ़ी धीरे धीरे चल रहे हैं रुकते हुए और रामबाड़ा पहुंच चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं रामबाड़ा, और 2013 के दौरान जो तबाही त्रासदी हुई थी केदारनाथ धाम में, ये सामने आप देख सकते हैं वही है रामबाड़ा। इधर से ये पुराना मार्ग जो है पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका था, तो इन्होंने नया मार्ग एक उधर से बनाया है और एक इधर सामने ही नया मार्ग बना हुआ है। अभी आगे चल के हम वो आपको दिखाएंगे। लगभग 4 घंटे के बाद हम लोग रामबाड़ा पहुंच चुके हैं। ये रामबाड़ा का नज़ारा आप देख सकते हैं, चारों तरफ पुल है और वो पुराना पुल है, उस पर 14 लोग एक बार में और 6 कच्चा भी चल सकते हैं। बाकी ये जो 2013 में जो त्रासदी आई थी उसके बाद ये पूरा डैमेज हो चुका था, देख सकते हैं आप पूरा। और इधर से आप ये नज़ारा देखेंगे कितना सुंदर लग रहा है, एक ये पुल और यहाँ पर पानी का बहाव देखेंगे कितना तेज पानी का बहाव है, और ऊपर बर्फ़ दिख रही है लेकिन अभी ऊपर अभी और आगे चल के हम दिखाएंगे। और यहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई आपको देखने को मिलेगी रामबाड़ा से, एकदम पूरी बाबा के धाम तक एकदम खड़ी चढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। जय श्री केदार, हर हर महादेव। केदार दोस्तों, हम लोग लगभग केदारनाथ धाम की आधी चढ़ाई जो है वो पूरी कर चुके हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ से श्री केदारनाथ धाम, 8.5 किलोमीटर है और बेस कैंप 6.5 किलोमीटर है और बड़ी चौली 3 किलोमीटर, छोटी टोली 1 किलोमीटर। ये व्यू आपको हम दिखाएंगे तो पूरा नीचे तक आ जाएगा, एक पूरा रामबाड़ा का एरिया है। और बस जय श्री केदार के नाम लेते लेते हम लोग चल रहे हैं आगे, हर हर महादेव। के कपाट कल ही खुले हैं और आज दूसरा दिन है, आज हम लोग दर्शन कर लेंगे बाबा जी के। और यहाँ से लगभग बस आधा ही ट्रैक बचा हुआ है और हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, जय श्री केदार के नारे लगाते हुए हर हर महादेव। बाबा जी के धाम में बारिश आ चुके हैं और हम लोग जादू बन चुके हैं पूरी तरीके से, साहब भी और हम भी। हमारा जो ये फुट है वो हल्का सा छोटा है और बाकी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, पूरे बादल ऊपर तक आ चुके हैं और ये नज़ारा आप देख सकते हैं नीचे का, हर हर महादेव। जब आप केदारनाथ धाम के ट्रैक पर आएँगे तो आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़े एकदम खड़ी चढ़ाई ऊपर से पत्थर कभी भी नीचे गिर सकते हैं। आप यही रास्ता जो है मेन इसी से आप ऊपर चलिए, इसी से मैं अभी ऊपर चल के ऊपर चलूँगा। और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम लोग चलते हैं ऊपर। हम लोगों ने रेनकोट पहन लिया हुआ है, बाकी चलते हैं ऊपर और जय श्री केदार। सारे पाप करना पर केदारनाथ धाम में शॉर्टकट मत लेना, बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई साहब। ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने शॉर्टकट लिया हुआ है और ये पूरी लंबी एकदम खड़ी चढ़ाई हुई है। जय श्री केदार सर। और हम लोग केदारनाथ धाम की चढ़ाई चढ़ रहे हैं इस पैदल यात्रा में। सामने आप देख सकते हैं ग्लेशियर, छोटा सा बर्फ जमी हुई है और उसका पानी रिस रिस के नीचे आ रहा है, जो झरने के रूप में नीचे जा रहा है। और ये वैल्यू का व्यू देखेंगे कितना सुंदर व्यू लग रहा है पूरा। जय श्री केदार। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसी पे लोग सब लोग बर्फ़ का पूरा ऊपर से आया हुआ है, सब लोग इसी पर मज़ा कर रहे हैं, बढ़िया से बर्फ़ ही बर्फ़ है ऊपर, और ऊपर से लोग सरक भी रहे हैं इसमें, वो देखिए। जय श्री केदार। वो ऊपर से चलते हुए नीचे आ रहे हैं सब लोग। तो हम लोग केदारनाथ बाबा के घोड़ा पड़ाव पर पहुँच चुके हैं और इसके आगे कोई भी खच्चर नहीं जाता है, उधर से खच्चर आ रहे हैं लेकिन जाने के लिए आगे नहीं है। और ये घोड़ा पड़ाव आप देख सकते हैं, इसके अगर आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो यहीं से आप घोड़ा बुक कर सकते हैं, बाकी वहाँ से भी है। और ये जो है, और यहाँ से कोई भी खच्चर आगे नहीं जाएगा और पूरे ऊपर वहाँ तक, यहाँ से बस 1 किलोमीटर बाबा जी का मंदिर है। अभी हम लोग चलेंगे और इधर देखेंगे तो हेलीकॉप्टर जा रहा है और ये पूरा वैल्यू का व्यू देखेंगे कितना सुंदर यहाँ से लग रहा है चारों तरफ। जय श्री केदार। नंदी बेस कैंप के पास पहुंच चुके हैं। ये नंदी बेस कैंप, पैरोना टेंट कॉलोनी है, गढ़वाल मंडल विकास निगम।
जो भी लोग ऑनलाइन टिकट बुक होते हैं वो यहीं होते हैं, सारे इधर कैंप लगे हुए हैं। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन कैंप बुक किया हुआ है तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल सारे फुल चल रहे हैं इस महीने और सांस काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ वैसी आप सब लोगों को लग रही होगी। और यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स भी हैं जहाँ से आप कुछ सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा नंदी बेस कैंप टेंट ग्राउंड बेड सी बात, मई से जून में 600 रुपये, जुलाई अगस्त में 448 और सितंबर से नवंबर 560। इधर सारे नंदी बेस कैंप के टेंट जो हैं वो सारे लगे हुए हैं। इस कैंप में इस रहने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, आप यहाँ पे आके कैंप बुक कर सकते हैं। और इस कैंप में आपको एक गद्दा जो मिलेगा उसमें एक पावर चार्जिंग भी मिलेगी जिसमें कि आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं, बाकी कई सारे हैं। और यहाँ से बस केदारनाथ बाबा का दरबार बस पास ही है, जस्ट 1 किलोमीटर। और अभी हम चलते हैं आगे, आपको दर्शन कराते हैं बाबा जी के। अभी अचानक से मौसम थोड़ा बिगड़ गया, आ गए हैं और पूरा नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, अभी बादल पूरे आ रहे हैं ऊपर। ये देखिए इस साइड से काफ़ी तेज, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरी वैली इधर भी आप देखेंगे। और हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं केदारनाथ धाम में। और हम लोग केदारनाथ धाम के बेस कैंप हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं। ये हेलीपैड है और इस समय भी मौसम खराब है, इसी वजह से हेलीकॉप्टर कोई नहीं दिख रहा है। और एक दो हेलीपैड यहाँ पर बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। जब भी आप फाटा से या सिसरी से हेलीकॉप्टर बुक करेंगे तो यहीं तक आएगा, यहाँ से उसके बाद 1 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा बाबा जी के दर्शन के लिए। ये आप देख सकते हैं हेलीपैड। अभी मौसम यहाँ पर काफ़ी ख़राब हो रहा है इसीलिए हेलीकॉप्टर सेवा भी रुक गई है। और इधर सारे टेंट हैं, नंदी बेस कैंप ये है और यहाँ पर GMVN के सारे टेंट हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं। प्राइवेट कैंप भी हैं, प्राइवेट कैंप में आप स्टे कर सकते हैं। और बाकी अभी हम चल के आगे चलेंगे और आपको हम दर्शन कराएंगे श्री बाबा जी के। जय श्री केदार। केदार दोस्तों, बारिश के बाद अभी बारिश पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और ऊपर भैरव बाबा के मंदिर और सामने केदार बाबा का मंदिर। और ये पीछे वैली देखिए कितनी सुंदर नज़ारा दिख रहा है, पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये हेलीपैड की सुविधा शुरू हो चुकी है, इधर भी पहाड़ पे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है, क्या सुंदर नज़ारा लग रहा है। और केदारनाथ में हेलीपैड की सुविधा जो है वो शुरू हो चुकी है, हमारे पीछे देख सकते हैं आप हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। अभी मैं बैक से दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा से चेक होगा, एक बार एंट्री पे चेक हुआ था, एक बार यहाँ भी चेक होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा जो आपने ऑनलाइन कराया है। अगर आप ऑनलाइन नहीं कराया है तो ऑफलाइन भी यहाँ से हो जाएगा, ऑनलाइन कराया है तो ऐसे ही आपको टोकन मिल जाएगा उत्तराखंड टूरिस्ट केदारनाथ बाबा का, इसमें सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। जय श्री केदार। मैं केदारनाथ धाम में जो मैंने टेंट लिया हुआ था, ये टेंट है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से दो लोग रुक सकते हैं। इस टेंट की जो कास्ट थी वो 1000 रुपये पर नाइट की है दो लोगों के लिए। इसमें आपको लाइट भी मिल जाएगी और चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाएगा। और ये पूरी वैली का व्यू आप कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इधर सारे होटल्स हैं, इस साइड भी होटल हैं, इधर बाकी टेंट लगे हुए हैं, अभी मैं इनको अंदर से दिखाऊँगा। और सामने ही बाबा जी का मंदिर है, जय श्री केदार। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। हर हर महादेव, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हर हर महादेव, जय हर हर।
बोले हर हर महादेव। जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों सुबह के 5 बज रहे हैं और हमने सुबह ही बाबा जी के दर्शन कर लिए। अंदर गर्भगृह में दर्शन हुए, बहुत सुंदर दर्शन हुए। और जय श्री केदार, हर हर महादेव। अभी मैं पीछे से वीडियो दिखाता हूँ, आप लोग भी दर्शन करिए बाबा केदारनाथ के, हर हर महादेव। और ये पीछे वैली का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी हम ऊपर जाएंगे, भैरवनाथ बाबा के भी दर्शन कराएंगे। बाकी ये नज़ारा आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। हर हर महादेव। जय वीर बजरंगी। ओम नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। दोस्तों अभी मैं हूँ बाबा के धाम में, बाबा केदारनाथ धाम में। और ये देखिए, ओम के दर्शन करिए आप, जो बाबा जी के धाम में जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट में लगा हुआ है। और ये पूरा रास्ता जो गया है वो सीधे बाबा जी के धाम में गया है। और ये वैली का व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू लग रहा है। और सामने हेलीपैड बना हुआ है, अगर आप जो हेलीपैड की चौपर की सुविधा लेना चाहें तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन उसकी जो बुक होते हैं। बाकी इस साइड सारे टेंट लगे हुए हैं, आप यहाँ पर आप स्टे ले सकते हैं। और जो GMVN के कॉटेज हैं यहाँ पर हैं, वो भी ऑनलाइन बुक होते हैं। और जो होटल्स हैं इस साइड हैं। और बाकी ये ओम के दर्शन करिए आप, हर हर महादेव। जय श्री केदार। कितना सुंदर व्यू यहाँ से लग रहा है। क्या अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और क्या सुंदर नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बाबा जी के दर्शन अभी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। जय श्री केदार। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत सुंदर आपको मैं बाबा जी के दर्शन कराऊँगा और इस पूरी वीडियो में आपको जानकारी दूँगा। जय श्री केदार। सुबह के अभी बज रहे हैं 6:15 और क्या सुंदर, अभी हम लोगों ने जैसे ही दर्शन शुरू, 3 बजे लाइन में हम लोग लगे थे, 5 बजे हम लोग का दर्शन का हो गया था, हम लोग दर्शन कर लिए थे। बहुत अच्छे, बहुत आराम से, बहुत सुंदर दर्शन हुए थे बाबा जी के। और अभी हम पास से चल के आपको दिखाते हैं गर्भगृह के, बहुत सुंदर दर्शन हुए थे। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी तो हम लोग वहाँ से वीडियो नहीं बना पाए। बाकी सारी वीडियो मैं आपको इसमें दिखाऊँगा, ये आप देख सकते हैं पूरा। जय श्री केदार, हर हर महादेव। यहाँ पे कई सारी शॉप्स हैं मंदिर प्रांगण के बाहर ही, जहाँ से आप प्रसाद लेके आप आगे जाएंगे और बाबा जी के दर्शन करेंगे। ये क्या सुंदर नज़ारा लग रहा है। और पीछे वैली में पहाड़ पे देखिए कितना सुंदर बाबा जी दर्शन दे रहे हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और पूरी इस केदार की जर्नी में मैं आपको बाबा जी के दर्शन अभी आगे चल के कराऊँगा। और बाकी इधर की जितने भी शॉप्स हैं वो आप सारी देख ही सकते हैं। और सुबह के 6:30 बज चुके हैं और काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं इधर भी बाबा जी की फोटो लगी हुई है। जय श्री कृष्ण। ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। सामने नंदी जी हैं, कितनी खूबसूरत नज़ारा है। और ये पूरा मंदिर का प्रांगण देखिए कितना खूबसूरत सजा हुआ है पूरा मंदिर। जय श्री केदार। और इधर वैली का व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है, इधर भी वैली का व्यू। और अभी हम लोग चलेंगे आगे, भैरवनाथ मंदिर वहाँ ऊपर है, भैरवनाथ मंदिर जाएंगे और वहाँ से भी आपको दर्शन करेंगे। जय श्री केदार। लंबी लाइन लग चुकी है भक्तों की, ये पूरी लाइन जो है भक्तों की लग चुकी है, काफ़ी लंबी लाइन। सुबह हम लोगों ने बहुत आराम से दर्शन कर लिए थे लेकिन इस समय लाइन जो है बहुत तगड़ी लग चुकी है। पूरी ये लाइन नीचे तक, पूरी पीछे तक लाइन लगी हुई है। और वहाँ से पूरा बैरिकेटिंग घूमते हुए यहाँ तक आप आएंगे और बाबा जी के दर्शन करेंगे। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है तो आप बाहर ही पूरी तरीके से बैन है, कई तरीके से बोर्ड भी लगे हुए हैं। और अभी यहाँ पर VIP मोमेंट होने जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर सारी जो रस्सी लोगों ने बांध दी हुई है। और
अभी सुनने में आया साथ राज्यपाल और भी उनके साथ में कोई आ सकता है, तो अभी हम लोग यहीं बने हुए हैं और अभी हम आगे चल के हम लोग मेन शिला उन लोगों को दर्शन कराएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे भैरव घाटी, भैरवनाथ जी के दर्शन कराएंगे। जय श्री है। और एग्जिट जो है वो यहाँ से है, यहाँ से आप एग्जिट करेंगे बाबा जी के दर्शन करने के बाद। इधर से भी बैरिकेटिंग है और ये व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हर हर महादेव के नारे जरूर लगाएं, जय श्री केदार। बाबा जी के दर्शन कराएं और जब बाबा जी के दर्शन करने के निकलेंगे, और यहाँ पे भी एक मंदिर है, इसके भी आप दर्शन करिए। यहाँ भी भोलेनाथ की शिला है जो लगी हुई है, और अभी हम आपको चल रहे हैं और जो भीमशिला है उसके आप लोगों को दर्शन कराते हैं। ये भीमशिला आप पीछे से देखेंगे, और अभी हम जस्ट आगे चलेंगे और वहाँ से आपको दिखाएंगे पास से भीमशिला के दर्शन। जय श्री केदार, हर हर महादेव। ये आप नज़ारे देख सकते हैं, ये पूरा मंदिर बाबा जी का केदारनाथ धाम का, ये भीमशिला है, और ये पूरी वैली का व्यू देखेंगे कितना सुंदर व्यू यहाँ से लग रहा है। और बाकी हम पास से अभी दिखाते हैं हम भीमशिला को। जय श्री केदार के नारे आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाते रहिए, और ये भीमशिला आप लोग देख सकते हैं। जय भीम, ये भीमशिला है दोस्तों, और ये भीमशिला है हमारे जस्ट पीछे बाबा जी के मंदिर है। 2013 में जो त्रासदी आई थी, बहुत भयंकर तूफान आया था और वहाँ से पूरा पानी पूरा तबाही मचाते हुए आया था और ये पूरा टूट गया था। तो ये जो भीमशिला है इसी ने पूरे बाबा जी की मंदिर की रक्षा की थी, यहाँ से आगे पानी नहीं जा पाया था और पूरा मंदिर वैसे के वैसे सुरक्षित था। बाकी सब कुछ टूट गया था, पूरा तहस नहस हो गया था, लेकिन भीमशिला की वजह से मंदिर पूरा सुरक्षित था। तो जय भीम, जय श्री केदार, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार के नारे ज़रूर लगाएँ और कमेंट ज़रूर करें। तो अभी मैंने आपको बाबा जी के दर्शन कराए केदार धाम के, और भीमशिला के दर्शन कराए। अब मैं आया हूँ श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि पर, और अभी मैं चल रहा हूँ आपको श्री शंकराचार्य जी की समाधि स्थल उनकी दर्शन कराता हूँ। आदि शंकराचार्य जी की समाधि ये भीमशिला से थोड़ा सा ही ऊपर आएंगे तो ये आपको आदि शंकराचार्य समाधि स्थल यहाँ पर मिल जाएगा। श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि पर, और ये देख सकते हैं ये समाधि स्थल है, और मैं अभी आगे से आपको दिखाता हूँ। ये श्री शंकराचार्य जी की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पे पूजा चल रही है, और अभी हम नीचे से चलेंगे। इधर से नीचे से रास्ता है, और जब नीचे से आएंगे तो आप फ्रंट से ये बाबा जी की आप दर्शन करेंगे आदि शंकराचार्य जी की, और इधर पूजा चल रही है। बाकी वैली का भी आप देख सकते हैं पीछे केदारनाथ धाम में। इधर थोड़ा सा जस्ट आप भीमशिला के थोड़ा सा चल के ही आएंगे तो आपको आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति यहाँ पर मिल जाएगी, उनका समाधि स्थल जो है, आप उनके यहाँ के दर्शन करेंगे। जय श्री केदार। अभी हम लोगों ने आदि शंकराचार्य जी के दर्शन कर लिए हैं, अब हम लोग चल रहे हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने, जो वहाँ ऊपर 1 किलोमीटर चढ़ाई करने के ऊपर है बाबा भैरवनाथ। और केदारनाथ धाम की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक आप बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं कर लेते। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर बाबा जी के दर्शन के लिए। जय श्री केदार। और दोस्तों, जो केदारनाथ में जो सुनामी आई थी, ये देखिए हिमालय सुनामी 2013, उसको नाम दे दिया गया था क्योंकि इतनी भयंकर सुनामी थी जो 16 जून 2013 को आई थी। यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई थी, कई लोग की जो मृत्यु हो गई थी इसमें, तो यहाँ की जो मीडिया थी उन्होंने इसको हिमालयन सुनामी के नाम दे दिया था। ये 16 जून 2013 को आई थी, और इधर भी आप देख सकते हैं भगवान शिव की और सारी जो प्रतिमाएं उनकी चित्रित की गई हुई हैं और उनके बारे में लिखा गया हुआ है। भैरवनाथ के दर्शन आप ज़रूर करिएगा अगर आप केदारनाथ धाम आए हैं। वो सामने मंदिर है क्योंकि बाबा जी के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक आप भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं कर लेते। जय श्री केदार। भैरवनाथ की चढ़ाई भी एकदम खड़ी चढ़ाई है, एकदम स्टीप है, और यहाँ से पूरी केदारनाथ धाम के पूरा वैली का भी यहाँ से सारा व्यू आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। जय श्री काल भैरव। हम लोग फाइनली बाबा भैरवनाथ के पास पहुंच चुके हैं, और ये देखिए जस्ट यहाँ से रास्ता जाता है, और जूते चप्पल आपको यहाँ बाहर ही उतारने रहते हैं। यहाँ पर घंटा लगा हुआ है, घंटे बजा के एंट्री करेंगे ये काल भैरव जी, और वहाँ पे हमारे बैठे हैं महादेव जी। ये पूरा केदारनाथ वैली आप देख सकते हैं। भैरवनाथ मंदिर के पास आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये भैरवनाथ मंदिर है,
और यहाँ पर भूतनाथ अष्टकम भी लिखा हुआ है, भूत प्रेत से काल भैरव बाबा हमेशा बचाते हैं। यह पूरा मंदिर देख सकते हैं। जय श्री, जय भोले, जय भोले, जय काल भैरव, जय काल भैरव। देखते हैं, सबसे पहले आप दर्शन कीजिए, काल भैरव जी के दर्शन करिए, काल भैरव के। यहाँ से केदारनाथ धाम के आप देख सकते हैं, सामने हमारे महादेव जी बैठे हुए हैं और ये बाबा जी की नज़ारा आप देख सकते हैं। जय। तो अभी मैं हूँ रितस कुंड में और यहाँ पे जब भी भोलेनाथ की जयकारे लगाएंगे, जैसे केदार के जयकारे लगाएंगे, तो इस कुंड में फूल पूजन करते हैं। अभी मैं चल के आपको दिखाता हूँ, ये रितस कुंड आप देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं, और ये रितस कुंड है पूरा। क्या बुलबुले निकल रहे हैं और जब भी आप भोलेनाथ की जयकारे लगाएंगे तो यहाँ पे बुलबुले आपको देखने को मिल जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पते, नमः हर हर महादेव, जय भोले। केदार दोस्तों और हमारे कृतिक भैया जो कि हमारे हरिद्वार से सोनप्रयाग तक बस की जर्नी में हमारे साथ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ केदारनाथ धाम में भी मंदिर में दर्शन हम लोगों ने साथ किए, और अभी वापसी में भी भैया हमारे साथ मिल चुके हैं। तो भैया कैसी रही यात्रा आपकी? बहुत बढ़िया रही यार, बहुत मज़ा आया, दर्शन तो बहुत अच्छे हुए। दर्शन बढ़िया हो गए? बहुत ज़्यादा। तो जय श्री केदार भैया। जय श्री केदार। ऐसी यात्रा आपकी मंगलमय हो। बिल्कुल बिल्कुल।